हिंदी दिवस के उपलक्ष पर उपायुक्त कार्यालय मंडी में जिला स्तरीय राजभाषा हिंदी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी की जड़ें मजबूत हुई हैं। हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी भाषा बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम सब हिंदी के विकास में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि ये प्रयास किया जाना चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक राजभाषा का प्रयोग किया जाए। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि हिंदी दिवस के साथ जिला में हिंदी पखवाड़ा भी पूरी तरह मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम करवाए जाएंगे। छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए भाषा सम्मान की भी शुरुआत की गई है। ये सम्मान प्रतिवर्ष उन हस्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने जन जन में हिंदी भाषा के प्रसार और प्रयोग के अलावा उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया हो। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष पर मैं जो सभी जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर आज जो कुछ हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया जिन्होंने हिंदी में अधिक रुचि दिखाकर अपना कार्य किया है। और साथ ही साथ ये आज के दिन जो हिंदी दिवस है उसमें हमारा एक पखवाड़ा भी समाप्त होता है। इस पखवाड़े के दौरान सभी युवाओं के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ बाकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गई, जिसमें जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी रहे हैं इनके, बाकी डिबेट्स भी रहे हैं, बाकी इस तरह की गतिविधियाँ सभी जगह पर इस पूरे 15 दिन में की गई। और आज ये हिंदी दिवस को मनाया जा रहा है। इसमें एक आज हमने एक विशेष सॉन्ग भी, जो हमारे कोई कर्मचारी साथी हैं उन्होंने बनाया है, उसको भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मैं पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ।